नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर आपके सामने मकर राशि का जुलाई का राशिफल। इसमें हम जानेंगे कि आपके जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, हम अपनी तरफ से क्या करें, ज्योतिष से उपाय क्या हैं, और देखेंगे जॉब, करियर, पढ़ाई लिखाई, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, काम धंधा, पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, जो भी जीवन के क्षेत्र हैं सभी कुछ देखेंगे। पर सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों के ऊपर कि वो कहाँ पर हैं, किस राशि में गोचर कर रहे हैं, उसके अनुसार गणना करेंगे, फिर देखेंगे हम अपनी तरफ से क्या कर सकता है, और ज्योतिष की जो रेमेडी है उनकी तरफ चलेंगे। साथ में एंड में हम त्योहारों के बारे में भी बातें करेंगे। तो देखिए, ये आपकी कुंडली दिखाई पड़ती है फिलहाल में, आपकी मतलब गोचर कुंडली, जन्म कुंडली आपकी अलग है, जहाँ आपका प्रारब्ध लिखा है ये गोचर कुंडली है, करोड़ों लोगों की है, तो एक ओवरऑल नॉलेज है। तो इसमें देखिए शनि लग्न में ही आ रहे हैं, लग्न का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है। कब आएगा? 12 तारीख को। इससे पहले लग्न का स्वामी धन के भाव में है। वैसे तो इसको 7.5 की कहेंगे सेकंड स्टेप मानते हैं कि जब चंद्रमा आपका मकर में है तभी आपकी मकर राशि है वहाँ से, वैसे तो इसे 7.5 कहेंगे हम, पर ये शश नाम का महापुरुष योग है और राजयोग है, ये बहुत बढ़िया योग है, और चामर नाम का योग भी है। तो ऐसे में सबके साथ ऐसा नहीं कि गलत खराब है, ये बहुत बढ़िया है, पर इसमें आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे होने चाहिए और शनि पर कुछ अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो और उसमें आपकी शनि की भी दशा अंतरदशा भी हो, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। क्या आएगा इस पर हम बातें करेंगे। दूसरा भाव में भी शनि रहेंगे 12 तारीख तक, 12 के बाद आपके प्रथम भाव में मकर राशि में आ जाएंगे, इससे पहले द्वितीय भाव में कुंभ राशि में रहेंगे, तृतीय भाव में गुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और ये फिर से एक बड़ा राजयोग, रूचक नाम का महापुरुष योग, अम्बुधि नाम का राजयोग चौथे भाव में बना है, वो बात अलग है कि यहाँ पर राहु भी गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में भी राजयोग है, शुक्र अपने ही राशि में बैठे हैं, पर ये 13 तारीख तक है, 13 तारीख के बाद ये शुक्र जो हैं छठे भाव में आ जाएंगे, तो बहुत सारे शुभ ग्रह इस पर दिखाई पड़ते हैं। अगर हम छठे भाव की बात करें, यहाँ पर मिथुन राशि में बुध जो हैं वो कर रहे हैं, ये विपरीत राजयोग है, ये बन रहा है आपका कब तक? 16 तारीख तक, 16 के बाद बुध जो हैं सप्तम में आएंगे। ठीक इसी तरह सूर्य भी यहाँ पर 16 तारीख तक रहेंगे मिथुन राशि में छठे भाव में, और उसके बाद वो भी सप्तम भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये रहेगा यहाँ तक, इसके बाद सप्तम भाव है ये अष्टम खाली, नवम खाली, दसम भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं। तो ये होगी ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए सबसे पहले शनि का परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन है, शनि लग्न में ही आ रहे हैं, अपनी राशि में ही आ रहे हैं, तो हार्डवर्क, मेहनत, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म सही रास्ते से आपको धन देने वाले हैं। अगर आपका काम कहीं ना कहीं फैक्ट्री, बिल्डिंग, जमीन, लोहा, आइसक्रीम, ठंडी चीज़ें, मतलब आइसक्रीम का मतलब ये हुआ, ओल्ड चीज़ें, जमीन में रहने वाली चीज़ें, खदान, इन सब से जुड़ा हुआ है, शनि से जुड़ा काम है और आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, तो खूब भर भर के तो आपको धन देंगे, सफलताएं देंगे। अगर ऐसा नहीं है, शनि थोड़े ख़राब हैं कुंडली में, तब फिर हार्डशिप बढ़ेगी, मेहनत पड़ेगी, और थोड़ा सा आपको कोई बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं लेना है ऐसे में, ये ध्यान रखना है आपको। ये कब होगा? 12 जुलाई के बाद होगा। यहाँ से शनि की दृष्टियाँ जो हैं तृतीय भाव पर आएगी, सप्तम पर आएगी और दसम पर आएगी। तृतीय भाव पर आएगी तो भाग दौड़ बढ़ाएंगे, थोड़ा काम एक बार में नहीं होगा, थोड़ा प्रयत्न ज़्यादा करना पड़ेगा, तीन बार में होगा इस तरह से, पर होगा ज़रूर। कब होगा? जब आप प्रयत्न करते रहेंगे, हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, प्लानिंग करेंगे, हार नहीं मानेंगे, प्रयास करते रहेंगे। शनि की सप्तम भाव पर जो दृष्टि है, ठीक है, कार्य में, बिजनेस में बढ़ोतरी करेगी, पर थोड़ा सा हार्डशिप लाएगी, रफनेस लाएगी, थोड़ा ड्राइनेस ला सकती है रिलेशन में, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये भाव जो है मैरिज का है, पार्टनरशिप का है, स्पाउस की हेल्थ का भी हल्का सा ख्याल रखने की यहाँ पे ज़रूरत रहेगी आपको, पर आपको स्पाउस से के थ्रू धन आ सकता है, बिजनेस से आपको धन आ सकता है, उसके मामले में जो है शनि बहुत बढ़िया है। शनि की जो लास्ट दृष्टि है जो दसम पर आ रही है, जहाँ पर केतु की दृष्टि भी रहेगी, मंगल की भी रहेगी, राहु की रहेगी, ये दसम भाव है, ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, पिता की लाइफ का ध्यान रखना है, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, पिता के धन में कुछ नुकसान रह सकता है, और आपके भी कर्म क्षेत्र पे आपको एफर्ट, हार्डवर्क ज़्यादा करते रहना होगा। मैं तो कहूँगा गणेश जी की पूजा, गणेश अथर्वशीष का पाठ अवश्य करें, और अगर कहीं आसपास गणेश जी का मंदिर है तो उनके मंदिर पर ध्वजा दान, या किसी भी मंदिर पर ध्वजा जो है अपनी तरफ से दान करें, आपके लिए ठीक रहेगा। पर अगर आपकी दशा जो है शनि की रही या शुक्र की रही, जो राजयोग में है, या गुरु हैं जो भी अपनी राशि में बैठे, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर मंगल की है, राहु की है, केतु की है, तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता जरूर रहेगी। खैर,
अब आ जाते हैं शनि के बाद गुरु पर। शनि की रेमेडी आप जानते हैं, हनुमान जी की पूजा करना, माँ काली की पूजा करना और पीपल का जो पेड़ है उस पर दीपक जलाना। इसके साथ साथ वृद्ध लोगों के आपको रेस्पेक्ट रखना, लाइफ में टाइम टेबल धर्म आदि का पालन करना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार इनके बसीभूत ना होकर, मतलब मन इनके अंडर काम ना करे। ये हैं तो ठीक है, सब चीज़ का होना भगवान ने बनाया तो ज़रूरी है। जैसे कि डरने का भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप डरेंगे नहीं तो आप किसी चीज़ में टक्कर मार देंगे, क्योंकि डर भी हमारा बचाव करता है। कहीं ना कहीं क्रोध भी ज़रूरी होता है लाइफ में कुछ चीज़ें हैंडल करने के लिए। तो ईश्वर ने जो भी सारे गुण दिए हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूरी हैं, तमस गुण भी आवश्यक है, पर अगर उनका कंट्रोल आपके ऊपर हो रहा है तो फिर दिक्कत हो सकती है। ये ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं बल्कि आप उनके कंट्रोल में हो। तो मन को थोड़ा सा स्ट्रांग रखेंगे तो साढ़े साथ ही आपका बेटरमेंट की तरफ आपको ले जाएगी, ऐसी चीज़ें लाएगी जहाँ पर अगर आपने अपने आपने कंट्रोल रखा और अपनी वाणी का भी ख्याल रखा और ढंग से किया जो आप कर रहे हैं, तो साढ़े साथ ही सिखाने का पीरियड होता है। चाहे वो महाभारत की बात हो या हरिश्चंद्र जी की बात हो, वो एक पीरियड ऑफ एग्ज़ाम होता है। जो उसमें अच्छा करता है तो फिर उसको इनाम भी मिलता है। इसके बाद देखिए गुरु पे आ जाते हैं। गुरु तृतीय भाव में गोचर गुरु का ठीक है, अच्छा माना गया है। पहले भाव में चौथ पाँचवें में नौवें में सातवें में तृतीय में बहुत बढ़िया तो नहीं माना है, पर कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में है तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करता है। तो तृतीय भाव में यहाँ गुरु अपनी ही राशि में है तो छोटी मोटी यात्राओं से आपको फायदा होगा, आपके पड़ोसी आदि से भी आपको फायदा हो सकता है, छोटे भाई बहन की लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ से गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर मैरिज लाइफ के लिए ठीक है, शादी विवाह के लिए ठीक है, बिजनेस के लिए ठीक है। तो गुरु का अगर आपका समय चल रहा है तो आपका बिजनेस फैलेगा बढ़ेगा, अब्रॉड जाने की आप सोच रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है नवम भाव पर भी आ रही है। पिता की लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आएंगे, लाइफ में आएंगे। पिता के धन में थोड़ा बहुत नुकसान रह सकता है, उनकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है राहु और मंगल की वजह से। और एकादश भाव पर जो गुरु की दृष्टि है, मतलब आपके सीनियर्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनके लिए भी बढ़िया, आपके कुछ विशेष पूरे होंगे, धन के कुछ नए सोर्स आपके बनेंगे। इसके लिए गुरु की दशा महादशा का होना और कुंडली में गुरु का अच्छा होना जरूरी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो चौथे भाव पर आएँ तो राहु मंगल यहाँ पर आए हैं। मंगल यहाँ पर विपरीत कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक विपरीत सी स्थिति बना रहे हैं। एक तरफ तो अम्बुधि और रुचक नाम का राजयोग बना, डबल राजयोग बन गया आपका, क्योंकि शनि भी बना रहे हैं आपका, मंगल भी बना रहे हैं और कहीं ना कहीं शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में है, पर साथ में राहु भी आ गए हैं। तो राहु ऐसा नहीं पूरे महीने रहेगा, 14 तारीख से 25 तारीख तक थोड़ा इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, 25-26 तक, तब थोड़ा सा ध्यान रखना है, माता की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो मंगल है आपको जमीन जायदाद का फायदा ही कराने वाले हैं। हाँ, मैरिज लाइफ में थोड़ा दिक्कत करेंगे, घर में थोड़ा सा माहौल ऊपर नीचे रहेगा और कार्य पर विशेष ध्यान रहेगा, हो सकता है ओवरलोड काम का आ जाए या काम के क्षेत्र में आपको दूर जाना पड़े, तो कहीं ना कहीं दूरी जो है आपके स्पाउस से, आपके पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका से थोड़ा सा बन सकती है। जब मंगल और राहु चौथे भाव में, माता का ख्याल रखें, उनके साथ अगर कोई अनबन होती है तो उसको डिप्लोमेटिकली या किसी तरह से सॉल्व कर लें, उसको आगे ना बढ़ाएं और माता के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। जन्म स्थान से दूर जाने के योग हमेशा बनते हैं जब चौथा भाव, क्योंकि बंधुओं का है, प्रेम का है, माता का है, यहाँ पर कोई मलेफिक आए तो इस तरह के योग अक्सर बन जाया करते हैं। चौथा भाव राजयोग का भी है, सिंहासन का भी है, तो पॉलिटिक्स में आपको सफलता मिल सकती है। पंचम भाव का स्वामी पंचम में, तो पंचम क्या है, क्रिएटिविटी है, पढ़ाई लिखाई है, तंत्र मंत्र विद्या भी है, ज्ञान भी है, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है, आपका कोई भी क्रिएटिव वर्क है। पंचम भाव प्रेम का भी है और प्रेम के देवता भी शुक्र होते हैं, कामना के, आकर्षण के, शारीरिक प्रेम के भी जो हैं ग्रह वो कहीं ना कहीं शुक्र हैं, भक्ति के भी हैं, और वो कहाँ बैठे हैं, अपने ही भाव में बैठे हैं। ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, स्टॉक मार्केट आदि स्पेकुलेटिव गेन के कारक भी यही भाव है, यही भाव भी और शुक्र भी उसके कारक हैं, तो उसके स्वामी उसी में रहेंगे, उससे भी आपको लाभ रह सकता है। पर कब तक रहेगा, 13 तारीख तक का इस योग ज़्यादा बन रहा है। बढ़ाने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें, उनके प्रति मन में प्रेम रखें, उनको हेल्प करें, उनका दिल बिल्कुल ना दुखाएं, कोई बात होती भी है तो उसको किसी सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें, पवित्रता मतलब साफ सफाई है, मन की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, और आसपास घर में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ साफ सफाई हो। ये अच्छी स्मेल का यूज करें, खुशबू का इस्तेमाल करें। ये हो गया फिजिकल लेवल पर, और स्पिरिचुअल लेवल पर खुशबू का मतलब आपकी ऑरा, ऑरा पवित्र तभी होगी जब आपके विचार पवित्र होंगे। गाय माता की सेवा करें, पशु पक्षियों की आप देखभाल करें, उससे भी आपके शुक्र अच्छे होंगे।
माँ लक्ष्मी की पूजा, ओम श्रीम का जाप, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। तो आप, क्योंकि शुक्र आपके बहुत अच्छे ग्रह हैं, कारक ग्रह हैं आपकी कुंडली के, पंचम भाव के मालिक हैं, दशम भाव के मालिक हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है। ऐसे में शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा हुई और शुक्र अच्छे हुए तो कमाल हो गई, ना भी हो इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ उपलब्धियां जरूर आएंगी। इसके बाद देखिए छठे भाव का स्वामी जो है बुध, वो छठे भाव में ही रहेगा 16 तारीख तक, और 16 के बाद आपके सप्तम में आ जाएगा। छठे का स्वामी छठे में होता है, रोग ऋण शत्रु से आपको विजय प्राप्त होगी, कंपटीशन में आपको विजय प्राप्त होगी, लड़ाई झगड़े में आपको विजय प्राप्त करेगी होगी, अपनी वाणी से, अपनी डिप्लोमेसी से सफलता प्राप्त करेंगे। पर 16 के बाद थोड़ा सा स्पाउस की हेल्थ में दिक्कत हो सकती है। ठीक इसी तरह अष्टम का स्वामी भी छठे में है आपका 16 तक, तो ये तो बढ़िया विपरीत राजयोग है, कुछ अचानक से चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। पर उसके बाद जब सूर्य यहाँ आएंगे तो मैरिज लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैरिज लाइफ के मामले में आप कह सकते हो महीना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है, पार्टनर में, पार्टनरशिप के मामले में, खास करके पारिवारिक रिश्तों के मामले में थोड़ा ख्याल रखना है, रिश्तों का ख्याल रखना है। बोलते हैं ना कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। उनमें से एक चीज़ वाणी भी है, अक्सर हम कुछ बोल देते हैं मुंह से निकल जाता है, उसका बड़ा रोल रहता है लाइफ में। तो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। सूर्य नमस्कार करते रहिए, सूर्य को जल देते रहिए अगर आपकी सूर्य की दशा महादशा है, और साथ में राम रक्षा स्त्रोत्र या फिर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, ओम घणी सूर्य आदित्य इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम केतु पर आते हैं। केतु जो है दशम में है, दशम की बात हम कर चुके हैं, नौकरी में उतार चढ़ाव आ सकता है, ट्रांसफ़र आदि हो सकता है, अगर बहुत अच्छी दशाएं नहीं रहीं तो जॉब आदि से भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। दशम भाव पर बहुत अच्छी दृष्टियां नहीं है, मंगल की है, राहु की है, शनि की है, तो वहां पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का ध्यान रखें, समाज में अपनी स्थिति का ध्यान रखें। बारह में भाव जो विदेश का होता है उसका जो स्वामी गुरु है वो तृतीय भाव में आ रहा है, आपके छोटे भाई की लाइफ में उतार चढ़ाव या उन पे खर्चा है, उनकी लाइफ में कुछ बड़े परिवर्तन आ सकते हैं, इस चीज़ को दिखा रहा है। लाभ का स्वामी चौथे भाव में है, रियल इस्टेट जमीन आदि से आपका लाभ हो सकता है। भाग्य का स्वामी सप्तम भाव में जा रहा है 16 के बाद, तो आपके स्पाउस के साथ अनबन तो हो सकती है पर आपका जो भाग्य है वो पार्टनर के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू, विदेश से या गुरुओं के थ्रू आ सकता है, हायर नॉलेज के थ्रू आ सकता है। तो आपके अगर आप मंदिर जाते हैं गुरुवार के दिन या बुधवार के दिन तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि बुधवार के दिन ज़्यादा रहेगा, आपके भाग्य के स्वामी बुध बन रहे हैं, गणेश जी की पूजा आदि अगर आप बुधवार को करते हैं आपके लिए भाग्य के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। किन्नर लोगों के आप थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, हरी घास पे चलते हैं, गणेश जी को दुर्वा घास आदि चढ़ाते हैं, तो ऐसी रेमेडीज है जो आपको हमेशा ही करनी चाहिए, और आप ट्रांजिट में थोड़ा ग्रह मदद भी कर रहा है तो उसका रिजल्ट लेने के लिए आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। देखिए त्योहारों की बात करें तो 1 तारीख की जगन्नाथ यात्रा है, 10 तारीख की देवशयनी और आषाढ़ी एकादशी है, 13 तारीख की पूर्णिमा है, 31 गुरु पूर्णिमा है ये, ओम गुरुवे नमः, गुरु को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया हमारे कल्चर में, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः, जैसे कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मय श्री गुरुवे नमः, तो गुरुओं का आदर करना, जो लोग जिनके कोई गुरु हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये डे है। इस दिन आपको आपके जो इस तरह के गुरु हैं स्पिरिचुअल वो भी ठीक है, इसके साथ साथ आपके बड़े भाई बहन माता पिता सभी गुरु समान होते हैं, उनके प्रति कुछ आप अच्छा करते हैं तो बहुत बढ़िया दिन है। इसके बाद 31 तारीख को हरियाली तीज है, 24 तारीख को कमी का एकादशी है, और 10 तारीख को हमारी आषाढ़ी एकादशी थी। 11 और 25 तारीख को प्रदोष व्रत है, सोमा प्रदोष व्रत है, सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत है। 26 तारीख को मासिक शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवो हम जो लोग व्रत रहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 16 तारीख को संकष्टि है, केतु आदि से रिलेटेड जो व्रत होता है, भगवान गणेश से रिलेटेड व्रत होता है। 16 तारीख को ही संक्रांति है, सूर्य का जो परिवर्तन होगा वो 16 तारीख को होता है, आत्मा सो परमात्मा, सूर्य आत्मा से जुड़े हैं तो ये भी स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इस दिन घर की सफाई करना, माता पिता का ख्याल रखना, माता पिता का ख्याल तो हमेशा ही रखना है, उस दिन थोड़ा बहुत कुछ गिफ्ट वगैरह उनके लिए दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग संक्रांति के दिन ही पैदा हुए हैं तो उनके लिए और भी अच्छा रहता है। इस दिन गीता के सप्तम अध्याय का पाठ, किसी जप की शुरुआत के लिए अच्छा दिन रहता है। और श्रवण अमावस्या जो है 28 तारीख की अमावस्या, अभी क्यों लोग समझते हैं अशुभ दिन है, इतना अशुभ नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए शुभ है, मंत्र के लिए कोई मंत्र आप जपना
मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, इसके साथ साथ तांत्रिक साधनाएं वगैरह होती हैं, सात्विक तांत्रिक साधनाएं भी होती हैं, इसके साथ साथ आप ना घर की साफ़ सफाई करना, कोई पुरानी चीज़ें लिख आपके घर में पड़ी हुई हैं आप उनको निकालना चाहते हैं, देना चाहते हैं किसी को, उसके लिए भी बहुत बढ़िया दिन होता है अमावस्या का दिन। और पितृ दोष आदि है चार्ट में, श्रापित दोष आदि है, तो इसके लिए अमावस्या का व्रत रखना, इस दिन कुछ दान पुण्य करना, पितरों के नाम से गीता के सप्तम अध्याय आदि का पाठ करना, ये इन चीज़ों के लिए शुभ दिन है, अच्छा दिन है। तो हमने सारे त्यौहार भी देख लिया आपके और इस महीने की राशिफल भी देख लिया। चार्ट के हिसाब से आप अगर हम देखें इस महीने का शुभ जो है रंग कौन सा रहेगा, तो चमकीला सफ़ेद रंग जो चांदी जैसा रंग होता है वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा इस महीने में। सबसे पहले नंबर पे तो आपका वही जो है रंग है, इसके बाद ग्रीन कलर जो है वो भी आपके लिए अच्छा है। दिनों की बात करें तो आपके लिए शुक्रवार का, बुधवार का, शनिवार का दिन अच्छा है। और डायरेक्शन रहें तो इस आपके लिए साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो इस महीने अच्छी रहेगी। बाकी ओवरऑल तो आपकी जन्म कुंडली से ही पता लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।